तो मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग नहीं रुके और बड़े पैमाने पर आप लोग यहाँ पर लाखों लाखों की संख्या में इधर पहुँचे हैं। यहाँ भारी संख्या में आप ये देखो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है और जितने लोग अंदर हैं इससे काफी ज्यादा लोग बाहर भी हैं। तो आप लोग अपने खुद के साधनों से चलकर, तो कल से आप लोग इधर आए हुए हैं, आपको जब मालूम पड़ा कि माननीय श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के मौके पर मैं खुद यहाँ पर स्मारक स्थल पर पहुँचने वाली हूँ, तो मेरे मना करने के इसके लिए तो मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है, खास तौर से जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि बीएसपी कहीं पिक्चर में नजर नहीं आ रही है, मेरे ख्याल अभी तक पिछले कई महीनों में जितने प्रोग्राम कांग्रेस ने, सपा ने, बीजेपी ने किए हैं, जितनी भीड़ उनके प्रोग्राम में अभी तक आई है उससे कई गुना भीड़ आज बीएसपी के अकेले प्रोग्राम में आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है, मीडिया को देखने के लिए मिल रही है। तो अब मैं आप लोगों का और ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं माननीय श्री कांशीराम जी की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, तथा मेरे बाद या भारी संख्या में आए पार्टी के लोग भी खासकर कोरोना नियमों का पालन करते हुए पूर्व की तरह ही पूरे अनुशासित तरीके से इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके तब फिर अपने अपने जिलों में सावधानी पूर्वक वापिस चले जाएंगे और फिर ये लोग पार्टी के आज घोषित किए गए कार्य में पूरे जी जान से जुट जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं आप लोगों से यही रजा लेती हूँ, जय भीम जय भारत, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे, माननीय काशीराम साहब अमर रहे।